अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वर्ल्ड कप गेम उठा दूं में मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फिकार। मेरे साथ हैं इरफान जहीर। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आज आखिरी ग्रुप मैच इंडिया और नेदरलैंड्स के दरमियान खेला जाएगा। इंडिया ने मेगा इवेंट में अब तक 8 मैचेस खेले हैं और तमाम में कामयाबी हासिल की है, जबकि नेदरलैंड्स ने 8 मैचेस खेलकर सिर्फ 2 में कामयाबी समेटी है। तो आज उनका ये मैच डिसाइड करेगा कि तीसरे में कामयाबी उनको मिलती है या नहीं मिलती है। बहरहाल 15 नवंबर से सेमीफाइनल के मैचेस का भी आगाज हो जाएगा, जिसमें इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। तो इरफान, कैसे देख रहे हैं आप ये सारा कॉम्बिनेशन? देखा जाए तो आज का मैच तो ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि इंडिया पॉइंट टेबल में नंबर 1 है और वो सेमीफाइनल भी उसी तरह खेलेगा। इनके लिए इम्पोर्टेंट है ये, अगर ये किसी तरह आज जाइंट किलिंग करने में हो जाते हैं कामयाब, जिस तरह इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था, तो दे हैव अ पॉसिबिलिटी कि ये शायद टॉप 8 में आ सकते हैं। जैसे हमें लगता है कहीं ना कहीं डायरेक्ट वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन और हम बात करते चले जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन के लिहाज से, तो दे हैव 4 पॉइंट्स। तो आज इनकी पूरी अटमोस्ट एफर्ट होगी किसी तरह आज ये विक्ट्री हासिल करें और पॉइंट टेबल में 2 पॉइंट्स का इजाफा करके 6 पॉइंट्स के साथ बढ़ती हासिल करें, और ऑब्वियसली फिर वैसे सर तोड़ कोशिश ही होगी। हाँ। अगर तो वो कोशिश करते हैं, मुश्किल लग रहा है, बट मुश्किल लग रहा है यही खूबसूरती। और मेरा आशा हमेशा मानना है कि इन जो है एसोसिएट साइड्स हैं, इनके लिए यही अपॉर्चुनिटी होती है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करें और एक्सपीरियंस गेन करें। इनमें जो चीज लैक करती है, ऑब्वियसली प्लेयर्स के अंदर पोटेंशियल है, ये लड़के अच्छे हैं, काउंटी सारा साल खेलते हैं, लीग खेलते हैं, जो प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ता है 50 ओवर क्रिकेट के अंदर वो एक्सपीरियंस का है। तो मेरा ख्याल है एज लॉन्ग एज ये जितना खेलते मेरे ख्याल हमें भी यही प्रॉब्लम आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम है एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम है। आपको भी पूरा साल क्रिकेट करवाना चाहिए ताकि आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। अपने पैनल्स की तरफ बढ़ते हैं जी। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के 92 के दोनों बड़े जबरदस्त लेजेंड, हमारा वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन का पार्ट होते हैं, इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके हर दिल अजीज वन एंड ओनली आकब जावेद। सलाम आकब भाई। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है आप भी? ठीक ठाक, आज फ्रेश लग रहे हैं, लगता नींद पूरी हुई, मतलब पाकिस्तान की हारने के बाद फ्रेश हो गया, नींद पूरी होगी ना, स्ट्रेस खत्म हो गया। देखिए संडे का नाम ही जो ना आपको गुड फील देता है, संडे संडे इज फंडे, लेकिन संडे को मैं ज्यादा काम करता हूँ। अब सीधा उधर जा रहा हूँ, आपका तो काम ऑब्वियसली रुकता ही नहीं है। और आज हमें संडे को एक और हमारे रात वाले एनालिस्ट भी ज्वाइन कर रहे हैं सर बाजवा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है? आज हमने आपको डे में भी बुला लिया है कि आपकी खिदमात ले। आयशा हम स्टार्ट करते हैं रमीज भाई से। बिल्कुल रमीज भाई से हम स्टार्ट करते हैं। तो रमीज सर कैसे हैं आप? एक तो मेरी तरफ से आपको सलाम अलैकुम, क्योंकि भी इरफान ने तो सलाम कर दिया, मैंने किया नहीं, लेकिन बहरहाल पहला सवाल तो आपसे यही है कि कल पाकिस्तान को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और आप 3-4 दिन से कह रहे थे कि इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म में आ जाएगा, जो कि हमने कल देखा भी है। इस वक्त पूरी कौम की अगर हम देखें तो काफ़ी मायूसी का शिकार है, हालांकि वो तो वर्ल्ड कप के बीच में ही कौम को अंदाज़ा हो गया था कि ये मैच किस तरफ जाएगा। क्रिकेट से हम लोग जुड़े हुए हैं और क्रिकेट में ही हमारे ये हालात हैं, सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में भी हम 5वें नंबर पर थे, इस वर्ल्ड कप में भी हमारी वही सूरत हाल है, क्या हम बड़ी टीमों से मुकाबला करने की पोजिशन में नहीं है? देखिए फ्रस्ट्रेटिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सबकी उम्मीदें लगी होती हैं क्रिकेट टीम के साथ, क्योंकि इस टीम में फड़क है तभी उम्मीदें लगाते हैं ना, नहीं तो बाकी स्पोर्ट्स देख लें कोई बॉदर्ड ही नहीं है, चाहे जीते चाहे हारे। सो फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, और इसके कई रीजन है। एक तो पाकिस्तान अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं जब ये फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, डगआउट में एक तरह से फेलियर का खौफ और प्रेशर क्रिएट हो गया जैसे ही भारत से पहले आप हारे, और वो हारना इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि 150 में 2 आउट थे और सब वहां पे कह रहे थे कि पाकिस्तान कम से कम 300 करेगा और आप 190 में आउट हो गए। तो ये जो हार मिली है ना 2-3, उससे फिर प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर बाबर आजम की अपनी फॉर्म बैटिंग की उस तरह की नहीं थी और हिट एंड मिस बहुत था। जो सबसे बड़ा फ्लॉप शो है वो 2 शोबों में था, एक स्पिन बॉलिंग, दूसरा फास्ट बॉलिंग। ये दोनों ने बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई, बाकी आप देख लें टीम्स वो कहां से कहां निकल गई। इन्हीं पिचेस के ऊपर उन्होंने लाजवाब बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई, और अगर चले बॉलिंग उनकी पिट गई तो बैटिंग ने फिर कॉम्प्लीमेंट किया और कॉम्पनसेट किया। तो पाकिस्तान की बैटिंग भी जो थी वो भी फ्लॉप शो इस तरह से होता गया
कि सेट होके बल्लेबाज आउट होते रहे, टेक्निकल इश्यूज हैं। देखिए जब तक कि स्किल के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक कि आप समझेंगे नहीं कि इस सिचुएशन में आपको कैसे बैटिंग करनी है या कैसे बॉलिंग करनी है, ये नहीं हो सकता कि 9 मैच आप खेले और अभी तक आप ना सीखे कि लेंथ बॉल कैसे करना है, बाउंसर कैसे करना है, फील्ड सेट कैसे होगी, बैटिंग में पार्टनरशिप अगर एक दो लगाते हैं तो बाकी को क्या करना है, ये हिट एंड मिस है, जो बिग हिटिंग होती है या जो स्लॉग हिटिंग होती है वो चांस होता है, वो चांस ही होती है, बाकी जो है वो मैक्सवेल हो जाए एक टांग पे जब वो स्लॉगिंग कर रहा है तो पता है कि कोई साइंस है उस स्लॉगिंग के पीछे और ये नहीं आउट होगा। क्लासन जब करता है साइंस है उस स्लॉगिंग के पीछे, या मिच मार्च जो 177 किया है बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो पीछे साइंस है। तो ये हमारे यहाँ ये भी नहीं है, तो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, एक परफॉर्मेंस, चार फ्लॉप शो, और ये पाकिस्तान का, ये जो पाकिस्तान के जो आपकी क्रिकेट का सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली उसका मिरर है ये परफॉर्मेंस। टर्बुलेंस है बोर्ड लेवल के ऊपर, टर्बुलेंस है अपना क्रिटिसिज्म की वजह से, खाम खा के जो वर्ल्ड कप में, मतलब मेरा ये है कि थोड़ा बहुत लिहाज कर लेता है। आप एजेंडा बेस्ड क्रिटिसिज्म जब करते हैं इस क्रिकेट टीम के ऊपर, और आपको पता है मैं किसका नाम ले रहा हूँ, इसलिए कि वो एक आधा चैनल है जो कि उसका जो ख्वाहिश यही है, जो दो चैनल्स होंगे कि बाबर आजम फेल हो, टर्बुलेंस रहे हमारे सिस्टम में ताकि वो रिप्लेस हो जाएं और फिर रिप्लेस होके अपने बंदे आ जाएं और अपने बंदों को वो डिफेंड करेंगे चाहे वो इससे भी नीची परफॉर्मेंस दिखाएं। सो हमारे जो आर्म चेयर एक्सपर्ट्स है ना, वो उनको तो पहले सबक हमने सिखाना है, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टीम ने अच्छा नहीं किया तो उनका फील्ड डे हो जाता है, वो हेडलाइंस बटोर लेते हैं, सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, जो जिसका ये जो है ना बिहाइंड द सीन्स वॉरियर्स, ये जो एक तरह से डरपोक वॉरियर्स हैं सोशल मीडिया पे, ये जो है एक भयानक चीज क्रिएट करते हैं और सब वो जो है उनके पीछे लग जाते हैं। सो एक नैरेटिव क्रिएट हो जाता है फजूल सा बेमकसद, जो कि हमारी क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करता है। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, आप कहें बाबर आजम की लीडरशिप में ये चार चीजें ठीक नहीं थी, आप बोलिंग की कोई टेक्निकल बात बताएं, बैटिंग में क्या चीज होने वाली है, ये ऐसे नहीं होता, ये तो पर्सनल एजेंडा के बेस के ऊपर उसको हलाक कर देते हैं। रूथलेस किस्म की एक कैंपेन चलती है और ये नहीं उनको पता कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि कई जो एक्स क्रिकेटर्स लगे हुए हैं आजकल टीम के खिलाफ या वो किसी एजेंडे से, वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ये अगर हमारा गिर गई स्पोर्ट। जी रमेश भाई, अगर आपसे मजीद अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हमने देखा कि हमारे सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलना शुरू करते हैं। अगर उसके सिस्टम की बात करें, चेयरमैन चीफ सेलेक्टर पे बात की, चीफ सेलेक्टर ने आगे उन पे बात करना शुरू कर दी, कैप्टन पे, इसका हल क्या है? अगर मैं थोड़ा सा अगर आपकी राय लेना चाहूँ, ऑब्वियसली फिर आप आके भाई से भी हम जानते हैं कि ये ऑनलाइन कोचिंग का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, मिकी आर्थर के अगर हवाले से बात करें तो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी उनकी क्रेडिट पे है, बिल्कुल वी ऑल नो, लेकिन उसके बाद अगर उनका रोल देखें तो श्रीलंका के अगेंस्ट हमने देखा उनके साथ कोचिंग की, वो लास्ट नंबर पे ख़त्म कर रहे हैं वर्ल्ड कप को। इसी तरह डर्बीशायर के ऊपर देखें तो वो लास्ट नंबर पे फिनिश कर रहे हैं, वो कहीं मैच ही नहीं जीत पाए। इसी तरह आईपीएल में देखा तो उनकी टीम एंड पे फिनिश कर रही है, ये पूरे 4-5 साल के उनके मैं स्टैट्स बता रहा हूँ। ये जो मॉडल लाया गया कि कैसा कोच आएगा ऑनलाइन, वो आके क्या स्विच ऑन करेगा और आके पाकिस्तानी टीम में मैजिक हो जाएगा, और अकाउंटेबल कौन करेगा फिर उसको? कभी वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल दिल पाकिस्तान नहीं लगा, कभी कहते हैं हम बुरा खेले, हम सेमीफाइनल में इंडिया को बताएंगे, और हम हाल ये है कि हम 5वें नंबर पे खड़े हैं। तो आपके नज़र में ये हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग? ये आप नजम सेठी से पूछे ना, जो जूनियर साहब ने लगाया था चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। बिल्कुल उन्होंने किया, ड्रोन कोच जब वो लेके आए थे तो बड़ी तारीफें उनकी हो रही थी, जी क्या एडमिनिस्ट्रेटर आया है, मतलब मेरा है कोई सेंसलेस इससे ज्यादा मूव नहीं हो सकती थी, जो चापलूसी करके और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड लग जाए। उसके बाद एक और आ गए साहब, जो कि वो भी पॉलिटिकल अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आ गए हैं, और वो अब एक हडल बनाएंगे वर्ल्ड कप के बारे में और हमें बताएंगे जी कि किस वजह से ये हम वर्ल्ड कप हारे हैं और क्या हम अच्छा कर सकते हैं। ये सब नॉनसेंसिकल बातें हैं, ये गेम इनकी नहीं है, ये ट्रेड एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है, ये यहाँ आते हैं कुर्सी की इनको चमक दिखती है, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को जलील करते हैं, और कुछ नहीं होता है। और ये जब तक के साफी हजरात नहीं समझेंगे, जब तक के हमारे सिस्टम में ऐसे लोगों को डिस्करेज नहीं किया जाएगा, तो फिर ऐसे रिजल्ट्स होंगे।
देखिए मैं समझता हूँ कि मेरी किताब में कोचेस जो है ना वो कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं रहे, उनका काम है नेट सेशंस अरेंज करना, उनका काम है एक अच्छी हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उनका काम है किसी को प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट करना, मगर एक दफा प्लेयर जब फील्ड एंटर कर लेता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू परफॉर्म, ये आप ओनस प्लेयर से नहीं हटा सकते हैं, ये उनका ओनस है टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, और आजकल इतने ज्यादा एक्सपोज हैं टू सो कॉल्ड ग्रेट कोचेस, क्योंकि हर हमारा लड़का जाके वर्ल्ड की लीग्स खेलता है वहां पे टॉप क्वालिटी के कोचेस होते हैं, सो उसके बावजूद भी अगर आपको मसले हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम में तो इसका मतलब यही है ना कि आपको कुछ अच्छा हासिल नहीं हो रहा इस इन कोचेस से, तो आपको क्या करना है, आपको अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, सिस्टम से आपके प्लेयर्स निकलते हैं, सिस्टम से लीडरशिप निकलती है, सिस्टम से आपको गेम अवेयरनेस आती है, ये सारी चीजें करने वाली हैं, और ये मगर क्यों नहीं कोई करता, क्योंकि ये लॉन्ग हॉल है, ये लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे लंबे प्रोसेस के लिए नहीं आते क्रिकेट बोर्ड में, यहाँ पे हेडलाइंस बटोरने के लिए आते हैं, और यहाँ पे मीडिया की चापलूसी करते हैं यहाँ आके, ताकि मीडिया जब इनके स्क्रू अप्स होंगे, जब ये गलतियां करेंगे तो वो इनको बचाएंगे। बिल्कुल अक्षय भाई, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, ये हमने जो मसाइल कल भी बात की, मेरी नज़र में तो कैप्टन भी रिस्पॉन्सिबल है, एक कैप्टन को 4 साल का रन दिया गया, उसने सारी चीज़ें ऑन की, बोर्ड चेंज हुए, टर्बुलेंस आई, सब कुछ हुआ, कैप्टन चेंज नहीं हुआ, तो कैप्टन ने 14 से 15 लड़के तैयार नहीं किए, 11 तो चलो तैयार किए उसने जो टीम में 2-3 साल से खेल रहे थे। रमीज भाई ने थोड़ा डिफर भी किया इससे कि नहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बाकियों की भी थी, और मैंने फिर कोच के दूसरा ब्लेम कोच के ऊपर अभी उनसे पूछा कि ऑनलाइन कोच क्या होता है जी, वो डायरेक्टर अब हो गए, कोच से भी लार्जर आपने उनको रोल दे दिया, अब एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड की है, कैप्टन की है, कोच की है, 3 लोग ही हैं मेरा ख्याल है, इससे चौथा तो हम नहीं किसी को कह सकते, और अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो किसको अकाउंटेबल ये पूरी नेशन ठहराए? कप्तान को अगर आप देखें तो 4 ईयर्स एक बहुत अच्छा रन है किसी को भी मिलता है, चाहे कोई भी कप्तान, चाहे पाकिस्तानी रहा है या चाहे कोई ऑस्ट्रेलियन रहा है या चाहे कोई इंडियन रहा है, कोहली की मिसाल सबसे बेहतर है, उन्होंने 19 में उनको कहा कि हेलो आपने कोई टाइटल नहीं जीता, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है, आप कप्तान हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू विन टाइटल्स, अभी तक कितने 2019 से लेके अब तक 2 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, T20 के वर्ल्ड कप हो चुके हैं, एशिया कप के 2 ओवर हो चुका है, T20 हो चुका है, तो इतने 5-6 टाइटल्स में अगर आप एक भी नहीं जीतते तो फिर एज कैप्टन आपका क्या रोल है, क्या आगे नहीं सोचना? इंडिया, हम मिसालें देते हैं इंडिया की, जब हमें कोई उनकी अच्छी चीज लगती है तो हम कहते हैं इंडिया को फॉलो करो तो जब इंडिया जैसी हरकतें हमने नहीं करनी, वो कहते हैं जी कि रूथलेस है, अभी रमीज राजा ने कहा कि जी ऑस्ट्रेलियन बड़े रूथलेस है, वो नहीं ऐसे चलाते कि आप 7-7, 8-8, 11-11 इनिंग्स जो है वो फ्लॉप हो जाए, वो निकाल देते हैं, वो कप्तान भी निकाल देते हैं, उन्होंने कप्तान को निकाला, और अगर देखें जो स्मिथ को बाहर बिठाया, स्टीव स्मिथ आपके टीम से उसको बिठाया, अभी देखें अगर आपने इंडिया बनना है तो इंडिया जैसे एक्ट करो, कैसे कर सकते हैं, अभी रोहित शर्मा को बनाया उन्होंने कैप्टन, ये 2 वर्ल्ड कप T20 वो नहीं जीता, एक जो यूएई में हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया में हुआ, हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में एज कैप्टन टाइटल जीता, दूसरे में फाइनल में पहुंचा, उन्होंने T20 का कप्तान उसे अनाउंस कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, जब मैं ये बात कर रहा था तो तब ये कह रहे थे ये बाबर के खिलाफ है, मैं क्यों किसी के खिलाफ, मैं तो एक प्रोसेस की बात करता हूँ, जो ये कहते हैं ना कि सिस्टम, सिस्टम क्या है, जो प्लेयर आपका परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंगली आहिस्ता आहिस्ता उसको पावर्स दी जाए। मैंने कहा जब ये दूसरा टाइटल शाहीन ने जीता कि अब आपके पास एक T20 का कैप्टन रेडी है, अभी से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है उसके लिए उसको बोलो अपनी टीम बनाए जी, ठीक है, और आगे जैसे अभी 4 साल हो गए कोई भी बाबर ने टाइटल नहीं जीता, तो एज कैप्टन फेलियर, इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है, किसका एजेंडा है किसका नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल है अपनी परफॉर्मेंस के, तो एज कैप्टन तो वो फेलियर है, एज प्लेयर नो डाउट कोहली की तरह
वो भी खेलें क्रिकेट, बिल्कुल कैप्टन होने ये साबित नहीं किया कि वो बहुत अच्छे। और चार साल से मेरा ख्याल है ज्यादा रन कितना दिया जा सकता है, इससे एक एक लॉजिक आपको कहती है कॉमन सेंस। सारे टूर्नामेंट तो खत्म हो गए चार साल में, और ये जो मंजन जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट थे वो तो उनमें तो सब में फेल हो गए। और ये मंजन जो है ना, मेरा ख्याल है ये जो हम बात करते हैं ना फाइनल सेमीफाइनल, ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया में इंग्लैंड में भी नहीं शायद चलता वो भी। क्यों मतलब यार हमारा मकसद क्या है, एक टाइटल में जाना, चौथे नंबर पे आके खुश होना है। कोहली ने भी तो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेला था, उसको भी रिप्लेस किया। कैप्टन का काम है टू विन टाइटल्स, और तो कोई काम नहीं। चलिए अभी कैप्टेंसी पे मजीद भी सवाल उठाएंगे, एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। तो टॉस हो चुका है और इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है, कैसा डिसीजन होगा इजहार बाजवा से इस बारे में बात करेंगे। पहले इजहार, एक तो सबसे पहले टॉस को आप कैसे देख रहे हैं, क्या इंडिया का ये डिसीजन ठीक है, और नेदरलैंड्स पे आज कितना प्रेशर होगा? देखिए नेदरलैंड्स के ऊपर कोई खास प्रेशर नहीं होगा उनके, क्योंकि वो निकल चुके हैं, क्योंकि वो निकल, लेकिन इस लिहाज से उनके लिए मैच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो किसी तरह बाय सम वर्चू ऑफ अ मिरेकल इंडिया को हरा देते हैं तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, टॉप 8 में आ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही अनलाइकली है। और अगर कंपैरिजन देखें दोनों टीम्स का तो इंडिया ने बहुत बेहतरीन इस टूर्नामेंट में 8-0 जा रहे हैं, नेदरलैंड्स ने सिर्फ दो मैचेस जीते हैं, एक वो साउथ अफ्रीका से जीते हैं, एक बांग्लादेश से जीते हैं, लेकिन उनके लिए मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक बिग स्टेज पर उनके शाज़ो नाज़र मौका मिलता है कि अपने टैलेंट को डिस्प्ले कर सकें और एक कंपेटिटिव अपोजिशन के खिलाफ खेल सकें। तो दे वुड वॉन्ट टू एंड ऑन अ हाई एंड दे वुड वॉन्ट टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट चैम्पियंस ट्रॉफी। इंडिया के लिए मैच वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वालिफाई कर चुके हैं, एक तो वो कोशिश करेंगे कि अपना जो विनिंग मोमेंटम है उसको मेंटेन रखें, सस्टेन रखें। दूसरा कुछ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं जिस हवाले से इंपॉर्टेंट है। कोहली आपने देखा कि 49 सेंचुरी उन्होंने कर लिया, ओडीआई सेंचुरी, अगर वो आज के मैच में 50 सेंचुरी कर लेते हैं जो कि एक बड़ा अच्छा उनके लिए मौका होगा कंसिडरिंग एक कमज़ोर ऑपोजिशन है उसके खिलाफ वो कर लेते हैं तो वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है तोड़ देंगे और 50 ओडीआई सेंचुरी बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करेंगे। इससे इंडिया को ये भी फायदा होगा कि जब वो नॉकआउट स्टेजेस में जाएंगे तब फोकस टीम परफॉर्मेंस पे होगा रेदर देन एनी इंडिविजुअल रिकॉर्ड, तो इस लिहाज से थोड़ा मैच इंपॉर्टेंट है। और जो पहले बार डिबेट हो रही थी कैप्टनसी के हवाले से या स्ट्रैटेजी के हवाले से, तो मेरे ख्याल में कि बात सही कह रहे हैं रमीज़ भाई कि नी जर्क रिएक्शन ही होना चाहिए, एक बुरा टूर्नामेंट गुजरा है उसके बाद आप एक नी जर्क पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दे, लेकिन देन अगेन आपने ये सोचना है कि एक कैप्टन को आपने चार साल दिए, उसको हर तरह का फ्रीडम दिया, उसको हर तरह का लिवरेज दिया कि वो अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट कर सके, जिस खिलाड़ी को वो ट्रस्ट करता है उसको मौका दे सके, जिसमें आप एग्जांपल नवाज है या शादाब है, उनको काफ़ी उनके खिलाफ लोगों ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया कि परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने रिटेन किया। तो देन अगेन इट्स फेयर कि अगर आपने किसी को कैप्टनसी दी है, लीडरशिप दी है, तो आप उसको ये फ्रीडम और लिवरेज भी देके अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट कर सके। तो अब जो सिचुएशन आ गई है, आपने एक तो ये सोचना है कि डू यू हैव एनी रिप्लेसमेंट रेडी एज अ कैप्टन, और आपने ये भी सोचना है कि सिर्फ एक टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट आपने डिसीजन नहीं लेना, आपका एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। तीन फॉर्मेट्स हैं, मुख्तलिफ टेस्ट है, टेस्ट चैम्पियनशिप का साइकिल होता है हर दो साल का, फिर एक T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है अमेरिका में जून जुलाई में शुरू हो रहा है, उसके बाद ODI के नेक्स्ट ईयर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में, फिर 2027 वर्ल्ड कप आ रहा है। तो तीनों फॉर्मेट्स की एक तो आपने ना सिर्फ प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग तैयार करनी है, उसके अलावा आपने एक स्क्वाड तैयार करना है जाके आपको इस तरह का मसला ना हो जिस तरह इस टूर्नामेंट में हमें ये प्रॉब्लम आई कि जब इंजर हुआ नसीम शाह, इंजर हुआ हसनैन, इंजर हुआ एहसानुल्लाह, इंजर हुआ, हमारे पास कोई न्यू बॉल के लिए या फास्ट बॉलर ही नहीं था जो उनको रिप्लेस कर सके। और रही बात क्रिटिसिज्म की, तो अगर आप इस स्टेज पे खेल रहे हो तो आई थिंक यू हैव टू बी इनफ थिक स्किन्ड के आप क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर सको, फेस कर सको। अगर आप ये रीज़न दो या ये आप अपना ये रीज़न प्रिटेक्स्ट दो कि जी मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत हुआ इस वजह से हम ओवर पावर्ड हो गए या इंटरमीडिएट हो गए, इस तरह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, तो ये तो बहुत ही मेरे ख्याल में लेम है। और यू हैव टू लेट योर परफॉर्मेंस डू द टॉकिंग, दिस इज द ओनली वे टू साइलेंस योर क्रिटिक्स। अभी अगर बात करें तो हमने देखा कि दुनिया में रिप्लेसमेंट सब टीमों के पास है, हर टीम की अगर हम बात करें, लेकिन चले भारत का मैच इनसे बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर वन ऑलराउंडर माना जाता है, जबरदस्त बैटर बॉलर, वो जाता है तो रिप्लेसमेंट ऐसी तगड़ी आती है कि हम देख रहे हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमारा एक नसीम शाह गया तो बॉलिंग में दाब पड़ गया,
बैटिंग में अगर कोई एक परफॉर्म नहीं करता फखर तो किसी को बैटिंग करनी नहीं आती तो ये हमारी क्या आप अप्रोच समझते हैं? देखिए इसमें ना कैप्टन का एक बड़ा इनवैल्यूएबल रोल होता है, जिस तरह अक्षर पटेल है उसको उसको वो इंडिया के लिए खेल रहा था बड़ा रेगुलरली एज अ स्पिनर, लेकिन रोहित ने कन्विंस किया अश्विन को कि तुमने इस वर्ल्ड कप के लिए रेडी रहना है, तुम्हें रोल मिलेगा इसमें। उसी तरह आप मोइन अली की बात करें, जब एशेज के लिए बेन स्टोक्स ने मोइन अली को कन्विंस किया कि तुम रिटायरमेंट से वापस आके दोबारा खेलो, क्योंकि वो समझता था कि मोइन अली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये जो आपकी लीडरशिप है आपने डिसाइड करना होता है कि आपके डगआउट में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आगे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। तो एक तो ये विजन लॉन्ग टर्म अप्रोच होना चाहिए, टनल विजन से निकलना चाहिए कि जी 2-10-11 खिलाड़ी और एक स्क्वाड, जिस तरह मैंने पहले बात की हर फॉर्मेट के लिए, टेस्ट के लिए भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 हो, फिर साथ आपके पास रिप्लेसमेंट हो, स्क्वाड भी अगर कोई बंदा इंजर हो उसको ये कम्पीट कर सकता है। ओडीआई के डिफरेंट डायनामिक्स हैं, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 हो, उसकी आपके पास रिप्लेसमेंट रेडी हो, फिर T20 के लिए हर तरह की फॉर्मेट के लिए मुख्तलिफ। और आपको वही मैं दोबारा बात करूँगा, अगर आप स्टेज पर हो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप फैंस इस सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, वही आपको इज्जत देते हैं। अगर वो आप नहीं परफॉर्म करते तो दे हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज योर परफॉर्मेंस, एंड अ ग्रेट प्लेयर जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो अपनी परफॉर्मेंस से अपने क्रिटिक्स को साइलेंस करता है, अपनी जुबान से साइलेंस नहीं करता, आपने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के मुंह बंद करने होते हैं। आकिब सर, इस पे एक सवाल मेरा ये भी है कि पहले तो आपसे यही जो अभी टॉस हुआ इस पे भी जानना चाहेंगे, लेकिन अभी जैसे ये बात हो रही है, ये एक डिबेट है कि भाई अगर तो बाबर आजम को हटाया जाता है तो फिर और कौन है और इनके पास ऐसे कौन से प्लेयर हैं। हमने पहले भी देखा मिसबाह उल हक की परफॉर्मेंस पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठते थे, सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस पे भी उठते थे, और भी जो उनसे पहले कैप्टन थे उन पे उठते थे। अब बाबर आजम कोई मैच विनिंग इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं, तो क्या हमारे पास जैसे कि डग आउट की बात कर रहे हैं कोई है ऐसे प्लेयर्स के जिनको हम कहें कि हाँ ये मैच विनिंग इनिंग खेलने वाले कैप्टन बन सकते हैं? देखिए जब बाबर को बनाया था कप्तान तो तब बाबर ने किसी भी स्टेज के ऊपर कभी कप्तानी नहीं की, ऐसे ही। और सरफराज को अब वो काम ना करें जो सरफराज के साथ किया था, ऐसे ही कि एक दफा पकड़ के तीनों फॉर्मेट से ऊंचाई फेर दो, ठीक है। वो बहुत बेहतर उसकी परफॉर्मेंसेस थी कुछ फॉर्मेट के अंदर, T20 में 2 साल नंबर 1 रहे, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। तो आप चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, अभी हम जो बात कर रहे हैं T20 के फेलियर्स की और 50 ओवर के फेलियर्स जी, इसमें तो एक कप्तान 4 साल में फेलियर है, कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो आगे आपने सोचना है, अब दो चीजें आपने सोचनी, एक कमिंग T20 में किसको कप्तान होना चाहिए, कप्तान बनता कैसे है। कप्तान बनता इस तरह से है कि जो आपका सबसे बेहतर फॉर्मेट है उसके अंदर जो एज प्लेयर, हम T20 की टीम कहां से बनाते हैं, PSL से जी। हम कप्तान कहां से बना सकते हैं, PSL की फ्रेंचाइजीज में जो कप्तान शाहीन शाह अफरीदी बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज एक कप्तान जीतता है और जिस तरह की कप्तानी करता है, ऐसे ही डिफरेंट एग्रेसिव, तो उसको T20 का कैप्टन एक लॉजिक के साथ बनता है, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद आपने 50 ओवर का देखना है कि 50 ओवर में क्या बाबर के पास अब अगले 2 साल क्या ऐसा प्लान है जो यहाँ फेल हो गया और आगे जाके हम उसको कह सकते हैं कि जी कामयाब हो जाए जी। कप्तान को फेर होना चाहिए, कप्तान को एग्रेसिव होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सही फैसले लेने चाहिए। इसी वर्ल्ड कप में देख ले या पिछले 2 साल में आप देख लें, जब आप इस टीम की सिलेक्शन हो रही थी तो एक फैसला सबसे गलत था हसन अली, 2 साल टीम के साथ नहीं रखा, अचानक वर्ल्ड कप में डाल लिए। आपके स्पिनर्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें कोई दम नहीं है, शदाब को बैक करना, नवाज को बैक करना, फिर कहते पीछे है कोई नहीं, क्यों सारी जो अभी जो 30 टीमें हैं फर्स्ट क्लास की डिपार्टमेंट में ला के उनमें वो स्पिनर ही खेलते हैं, सारे लोग वही होते हैं ना, आपने ना कोई ऑलराउंडर बना सके ना ढूंढ सके, आपने इमाद वसीम के साथ लड़ाई में उसको पीछे किया, इसमें अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बता दें, बिल्कुल ऐसे ही वो लड़ाई है तो वो है ऐसे ही, ठीक है। इस वर्ल्ड कप में अगर इमाद होता आपकी न्यू बॉल प्रॉब्लम खत्म हो जाती, ये जो मैच आप हारे हैं कभी जिंदगी में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर नया बॉल इमाद करता है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट इमाद करता है, आप हो ही नहीं सकता, आपकी प्रॉब्लम कोई आए। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने साइम अयूब को पास नहीं आने दिया और सबसे बड़ा जो जुल्म किया
जी फखर जमान को बिल्कुल आपने नहीं खिलाया, अब इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे जब हम मैं बोल रहा था या हम बात कर रहे थे कि एक ही मैच विनर है, एक ही है जो 350-400 स्कोर को चैलेंज कर सकता है, उसको निकाल दिए एक मैच के बाद। तो यही सवाल हम शुरू में भी कर रहे थे ना कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। दूसरा ये कि अब इन सारी चीजों में मुझे जमान को भी बाहर बिठाना, डगआउट में रखना, रिजर्व में डालना, अब आपके पास कोई नया बॉल वाला बॉलर नहीं है। अच्छा, अब ये सारे जो सवाल है ये फैसले किसने किए? बिल्कुल कप्तान ने। बिल्कुल सही, तो जिम्मेदारी किसने लेनी है? कप्तान ने और कप्तान कहते हैं वो अच्छा नहीं खेला। तो ये कौन अच्छा सा आखिरी कप्तान है जो चार साल बाद भी गलती मानने को तैयार नहीं और लोग उसको बाबर बचाओ मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं? हमने उसको बचाना क्यों है? वी आर पाकिस्तानी, वी वांट, हमारे लिए सारे एक जैसे। और मेरा ख्याल है कि भाई जो कल हमने बात की, अगर क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तो ये बाकी स्पोर्ट्स की तरह क्रिकेट भी खत्म हो जाएगी, हॉकी का आपको। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो सारे लोग बैठे हैं ना, अभी चैनलों के बंदे गिन लो जितने क्रिकेटर्स ये चैनल्स के ऊपर बैठे हुए, इनको को अल्लाह दे वास्ते सिस्टम करते हो, जाके ग्राउंड में को काम भी किया करो। बातों से सीख नहीं होती क्रिकेट, नहीं बिल्कुल काम करने से होती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल है एक, मैं अरमीज भाई से भी पूछना चाहूंगा। अरमीज भाई, कल हमने सौरभ गांगुली का इंटरव्यू सुना और उसका जो सर्टन पार्ट वो पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से था, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है, और उतना ही टैलेंट है जितना हमारे पास है। उन्होंने फिर कहा जी नहीं, आपने शायद बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, हमारी जो सक्सेस है वो ये है कि हमने लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया और मैंडेटरी किया कि हर लड़के ने डोमेस्टिक खेलना है। हमारा डोमेस्टिक स्टार्ट होता है मोस्टली 4 डे क्रिकेट पे हम रिलाई करते हैं, क्योंकि मीडियोकर क्रिकेट आपको T20 बनाने से मिलेगी। अगर आपने बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेलनी है तो आपको 4 डे क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने कहा सेप्टेम्बर से मार्च तक हमारे ये ODI और 4 डे क्रिकेट होती है, वो हर प्लेयर ने खेलना है, जो टीम के अंदर है या फ्री है वो खेलेगा, ये मैंडेटरी है। दूसरा उन्होंने कहा कि T20 पैसे कमाने के लिए ठीक है, वी अलाउ देम, वो हम फिर IPL में उनको अलाउ करते हैं, वो फिर 2 मंथ मार्च से लेके और मई तक हमारा IPL चलता है। तो ये इतनी क्लैरिटी चीज़ों के अंदर हम इसको इधर फर्ज क्यों नहीं कर रहे, क्यों ऑब्लिगेशन नहीं डाल रहे इन लड़कों के ऊपर कि अगर मैंडेटरी है, अगर आपने क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेलना है तो डोमेस्टिक खेलना मस्ट है। कैसे देखते हैं उनकी उस ओपिनियन को आप? देखिए, ये जो प्लेयर्स है ना, इसको हार्ड वर्क कहते हैं, और हार्ड वर्क आजकल की जो पौध है ना वो करने को तैयार नहीं है, और इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको चमक दिखती है T20 क्रिकेट में। ये आसान है, ये फेलियर जो है ना यहाँ पे अगर आपका होता भी है तो वो क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा है कि ये फेलियर बेस्ड है, इसलिए कि आपको छक्का लगाना है, हर बॉल पे छक्का लगाना है, सो 2 छक्के लग गए, तीसरे पे आउट हो गए तो फिर भी आप वेल प्लेड होते हैं। अगर आप 4 ओवर में 50 भी दे देते हैं तो आपको कहते हैं जी बड़ी अच्छी बॉलिंग की आपने, क्योंकि वो बाकी टीम स्कोर कर लेती है इतना। सो ये पहले तो इंस्टिल करना है इन नए बच्चों में द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। और 4 डे में, इसीलिए जब मैं था तो बाहर के 2 कोचेस लेके आया था काउंटी के, ताकि अपने सिस्टम को हम ठीक कर सकें 4 डे क्रिकेट के हिसाब से, ताकि उसमें प्रोफेशनलिज्म लेके आए, ताकि वहां पे डिसिप्लिन आए, उसमें पैसा आए, जो कि पैसा है बहुत 4 डे क्रिकेट खेलने में। मगर क्या है कि वो चमक जो है ना लीग्स की, यकीन करें कई रिक्वेस्ट मुझे कई प्लेयर से आती थी कि जी हम 4 डे से रिटायर होना चाहते हैं क्योंकि वहां कई कैरिबियन प्रीमियर लीग या किसी और लीग से हमें ऑफर आ गई और मैं इतने पैसे रिफ्यूज नहीं कर सकता हूँ। So, हमारे यहाँ और किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, मुआशी प्रॉब्लम्स भी हैं, और एक जर्नल जो हमारा मिजाज है ना कॉम का, वो शॉर्टकट्स ढूंढना है। सही। अच्छा रमी सर, अब जबकि आज आखिरी मैच है ग्रुप मैच इंडिया और नेदरलैंड्स के दरमियान, तो कैसे देख रहे हैं इस मैच को? और इंडिया ने टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया, कैसे देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को? देखिए, ये मुकाबला होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि इसका कोई रिजल्ट का फर्क ही नहीं पड़ता है। So, मैं समझता हूँ कई दफा जो है ना ये उसी वक्त ले लेना चाहिए डिसीजन, हालांकि वर्ल्ड कप है, प्रॉब्ली आप वर्ल्ड कप में जाने देंगे, बट कई ऐसे डेड रबर्स होते हैं जो कि बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती, शायद क्योंकि भारत खेल रहा है, भारत की अपनी अट्रैक्शन है यहाँ खासतौर पे भारत में, क्योंकि टीम वर्ल्ड क्लास है उनकी। और देखिये, भारत की जो सबसे अच्छी बात यही है कि ये एस्थेटिकली जिसको कहते हैं ना, ये खूबसूरत भी वर्ल्ड क्लास दिखते हैं। जब आप बैटिंग करते हैं तो इनको देखने का मजा आता है, जब बोलिंग करते हैं तो आपको मजा आता है कि किस तरह सीम पोजीशन इनकी अपराइट होती है और कोई मकसद के साथ ये गेंद वहां से वहां हिलता है और उसके पीछे टेक्निक है। इसी तरह से स्पिन बॉलिंग लाजवाब है, फील्डिंग बहुत अच्छी है। सो
लोग तो बहुत आएंगे मगर ये डेड रबर है और आई थिंक नेदरलैंड्स के लिए एक एक्सपीरियंस जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप अच्छी टीम से खेलते हैं तो आप भी खुद कुछ सीखते हैं। जैसे रमीज भाई कह रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आके भाई, जो मेरा बेसिक क्वेश्चन कल भी हमने थोड़ी बात की थी वो ये है कि हमारा जो मुझे प्रॉब्लम नजर आया इस 4-5 साल के डिबैकल का, कि हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो बन गया है वो हमारा PSL बन गया, ठीक है, उसी के बेस पे होता है। 4-day क्रिकेट से सब भाग गए। सिर्फ कल मैंने नाम भी लिया था इफ्तिखार और शकील, दो लड़के हैं जो सिर्फ डोमेस्टिक खेलते हैं और कोई लड़का नहीं खेलता। अब आपके ख्याल में ये हमें टाइम आ गया है कि आज हम बैठें बाकी चीज़ें ठीक होती रहेंगी, ये मैंडेटरी कर दें, फिक्स कर दें कि ये अगर किसी लड़के ने अब अगर टीम में आना है तो ये भाई सीजन खेलना पड़ेगा, अगर आप टीम के साथ नहीं है, इंटरनेशनल ड्यूटी है तो फाइन, नहीं है तो आप ये खेलेंगे नहीं, कि जो लड़का खेलेगा रिगार्डलेस वो कैप्टन है, सुपरस्टार है, ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी, भाईजान आप घर पे हैं, करेंगे तो मसला। पैसे के ऊपर आपने ब्लैकमेल करके अपने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहे 202%, ठीक है 300%, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगा दो। हाँ जी, फिर जिस बंदे ने खेल, आप ये फैसला कर लो कि ठीक है आप एक PSL आप खेलोगे, उसके बाद आप एक और लीग जाके खेल सकते हो। बिल्कुल ठीक, एट टाइम इज होता बेहतर है कि आप कहीं एक इन्वायरमेंट में खेल के आ जाते हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ये सारे मैचेस हैं, ये आपका स्केड्यूल है, आपने जहां मिस किए तो फिर आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल कर। बिल्कुल ठीक है, जिसने लेना ले ले, जिसने नहीं लेना वो ना ले। तो ये तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बांटे जा रहे हैं, आप ब्लैकमेल भी होते जा रहे हैं और मर्जी भी उनकी चलेगी। ये तो नहीं होगा, ये बड़ा सिंपल है। हम सिस्टम सिस्टम को रोते रहते, सिस्टम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन है उसको इम्प्लीमेंट करो। तो क्या हमारे सिस्टम में खराबी क्या है? इंडिया क्या 4-day क्रिकेट खेलता है? हम नहीं खेलते। उनकी 50-over क्रिकेट होती है, हमारी भी होती है T20, उनका IPL, हमारे पास PSL। बिल्कुल, गलती क्या है? इनको कंट्रोल ही कोई नहीं। ये असल में क्रिकेटर्स क्यों ये अभी समझ नहीं रहे, इनके करियर खत्म हो जाने बहुत जल्दी। होता क्या है कि कोई भी प्रोफेशनल है वो एक सीजन खेलता है, चाहे वो बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, वो एक सीजन खेलते हैं 6 महीने का। वो फिर 6 महीने एक रिकवरी करते हैं जी, एक अपनी स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर 4-4, 5-5 महीने काम करते हैं। लेट्स से अगर बाउंसर की प्रॉब्लम है, ये किसी से पूछ के नहीं होनी, ये आपने 6 महीने को लाखों बॉल खेल के उसको ठीक करना है। ऐसे ही अगर स्पिन की समझ नहीं आ रही तो आपने 6 महीने ऑफ सीजन इनकी जिंदगी से खत्म हो गया। जहां आप सीजन में जोर लगाते हैं, स्किल के ऊपर अपनी काम करते हैं, ऑफ सीजन में आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। इस टीम को ठीक करने के लिए इनको 6 महीने चाहिए, जिसमें इनको पावर ट्रेनिंग चाहिए। T20 के हवाले से, ODI के हवाले से बात कर रहा हूँ। इनको डाइट अपनी ठीक करनी है, अपने 200-200 छक्के मारने, आपने जाके अपनी बेसिक ट्रेनिंग भी जारी रखी, एडेड इनटू लाइक 206 अ डे। ऐसे ही मुझे बताएं इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है और हमें किससे जाके पूछना है कि ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? हम वही गुलामाना सोच है, जो टीम जीतती है उसके पीछे लग जाते हैं। अच्छा, आगे से अब हमने कभी ऑस्ट्रेलिया बनना होता है, कभी इंडिया बनना होता है, कभी इंग्लैंड बनना होता है। बात तो सिर्फ इतनी है कि आपने छक्के नहीं मारने आते, मारने शुरू कर दो। अगर आपकी बॉडी ट्रेन नहीं है, ट्रेनिंग करके, डाइट को ठीक करके, आप तगड़े हो जाओ। जिसको मारने आते हैं उसको बाहर बैठा दो। फिटनेस की बात करें, हम पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में इस पे बात कर चुके हैं, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि इंडिया से मुकाबला है, इंडिया से मुकाबला है। हमने विराट कोहली के हवाले से भी एक बार यही बात की थी कि विराट कोहली दिन में 10 घंटे अपनी क्रिकेट खेलता है, अपनी फिटनेस का ख्याल रखता है, शुगर नहीं लेता, नमक नहीं लेता, या इस तरह की और बहुत सी चीजें हैं जो कि अवॉइड करता है। तो हमारे प्लेयर्स में ये चीज़ क्यों नहीं है, उनमें ये अर्ज क्यों नहीं है कि हमें अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है? सारे पतले पतले से और इस तरह के हैं कि मतलब आपको वो देख के स्पोर्ट्स मैन नहीं। लेकिन एक डिसिप्लिन है, एक अगर आपका घर है, ऑफिस है, आपका क्रिकेट बोर्ड है, उसके एक डिसिप्लिन, हर लॉ हर जगह मौजूद, हर जगह पे हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई। बिल्कुल ऐसे। लेकिन व्हेन इट्स कम टू द लाइक डूइंग इट, इम्प्लीमेंटेशन में हम वीक हैं। हम एक लोगों में जो कई दफा होता है कि हम
जो थोड़ा सा प्लेयर बड़ा है उसको लेवरेज दे देते हैं, उसका फायदा छोटे ही उठाते हैं। फिर आप एक अक्रॉस द बोर्ड एक अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए ना इनके जी, अभी करें इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, उनको आवाज लेना है कॉन्ट्रैक्ट। ये इतने फोर डे खेलने पड़ेंगे, ये वनडे कप हो रहा है। अब जिनकी ख्वाहिशात है अपने पाकिस्तानी टीम में जाना है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो टीवी ऊपर बैठ के तबसरे कर रहे हैं। तो ये मजाक नहीं है क्रिकेट के साथ। तो कितना आसान, इनको बोलो इधर आओ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आओ एजाज भाई क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, ये टैलेंट हमारे पास है, इब्रार बात करें, जमान बात करें, साहिब अय्यूब बात करें, तैयब ताहिर बात करें, चांस नहीं मिलता, मिलता तो एक मैच दे के फिर तीन महीने बाहर बिठा देते हैं इसको। डेफिनेटली एक जिस तरह मैंने पहले बात कहा को, आपको हर फॉर्मेट के लिए स्क्वाड भी तैयार करना है और प्लेइंग 11 भी तैयार करनी है, स्क्वाड भी तैयार करना है, रेजिस्ट्रेशन भी। और रही बात फ्रेंचाइज लीग की, तो कोई भी स्पोर्ट इवॉल्व करती है, जो पहले 90s या 2000 के पहले डेकेड में क्रिकेट की सिचुएशन थी, अब नहीं है। अब फ्रेंचाइज लीग और T20 हकीकत है, उस हिसाब से पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज लीग खेली जाती है। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो इस पे दो कैटेगरीज कर लें, एक तो वो खिलाड़ियाँ जो हमारे प्लेइंग 11 में इंटरनेशनल टीम में, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, उनके पास तो उनके बारे में तो उनके लिए जो ट्रीटमेंट आई है, जो दूसरे कुछ खिलाड़ी हैं जो फ्रेंचाइज जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सकते इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनको नज़र नहीं आ रहा कि हमारा स्कोप है, हम पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, उनको अगर कोई ऐसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट कहीं और खेलने के लिए, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना भी मेरे ख्याल में शायद उनके साथ नाइंसाफी हो, क्योंकि एक एथलीट का बहुत ही लिमिटेड टाइम स्पैन होता है करियर का, उसने 25-20 से 40 साल की उम्र में उसने अपना सारा इकोनॉमिक भी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंचाइज लीग का फ़ायदा भी कहीं ना कहीं ये होता है कि आपको उस लेवल का जो कॉम्पिटिशन है, जिस तरह बिग बैश में आप खेलते हो या कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलते हो या 100 खेलते हो या IPL खेलते हो या साउथ अफ्रीका की जितनी भी लीग हैं, तो उस लेवल की जो स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन आपको मिलता है, शायद डोमेस्टिक में आपको ना मिले, उसका फ़ायदा भी है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपने बैलेंस ट्राई करना है कि आपने डोमेस्टिक को भी प्रमोट करना है और फोर डे क्रिकेट को भी, टेस्ट को भी, और ये वो। तो बाकी जो ये मेरे ख्याल में जो टैलेंट होता है उसको अगर अपना लोहा खुद मनवाता है, वो अपनी जगह खुद वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर अपना दाग, जिस तरह फ़खर ने अप्रूव किया, या इस तरह ये खिलाड़ी आपके बहुत देर तक किसी टैलेंट को रोक नहीं सकते, जब उसको मौका मिलेगा वो अपने आप को प्रूव करता है। बिल्कुल ऐसे बहुत से टैलेंट है और हम हमेशा बात करते हैं इस पर, हम आगे भी बात करते रहेंगे, अभी पूरा वीक है हमारे पास कि कितने ऐसे टैलेंट थे जिसमें कामरान गुलाम, साहिब अय्यूब, तैयब ताहिर, ये वो लड़के थे, जुमान खान, इब्रार, जिनको डग आउट में तो बिठाया जाता है बट खिलाया नहीं जाता, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसका जवाब हम लेंगे आकब भाई से, लेकिन वो रात को लेंगे, अभी आपसे ज्यादा चाहते हैं मिड ब्रेक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाकयात यकीन के साथ।